कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम। आप सभी तालियों से स्वागत कर रहे हैं। बेटा बेटा सामने 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 सामने। अरे बच्चों को बटलों को बटलों को जाओ करो हमारा शिक्षक आप बटलों को बिना ये बटलों लगा दिया अरे वाह भाई वाह वाह पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महामुनिराज की आचार्य संघ की सर्वप्रथम आचार्य गुरुदेव की श्री चरणों में कोटि कोटि अभिवंदन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्धों की आराधना करने का हम सबको अवसर मिल रहा है। और अभी तो पिछले दिनों मुझे लगता है ये जो क्षेत्र है दिल्ली का ये लाभान्वित है आचार्य देव गुरुदेव को पाकर। सारे निकटवर्ती क्षेत्रों में गुरुदेव के पदार्पण हो रहे हैं। विकासपुरी को ये सौभाग्य मिला है कि अरिहंत महावीर और संत रूप महावीर दोनों के ही सानिध्य में आप सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। तो आप सबके जीवन में ये सिद्धों की आराधना इच्छित फल लेकर आए, हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, यही गुरुदेव का आशीर्वाद भी और यही हम सबकी प्रार्थना भी। सर्वप्रथम महावीर स्वामी भगवान के चरणों में आज ये जो सिद्धों की आराधना का सिद्ध चक्र महोत्सव हम कर रहे हैं, इसके निमित्त कुछ चार पंक्तियाँ पहले एक प्रार्थना की गाते हैं और फिर थोड़ी सी भक्ति आचार्य गुरुदेव के श्री चरणों में करेंगे। हिला रा रा ना 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 हिला रा 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 हो लोग कहते हैं, लोग कहते हैं धरती पे खुदा नहीं मिलता। लोग कहते हैं धरती पे खुदा नहीं मिलता, शायद उन्हें कोई गुरु आपसा नहीं मिलता। कि मन दर्पण में हो, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई, सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। मन दर्पण में हो, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई, मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर, सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई, सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। आनंद से हो जब से तेरा साथ मिला है मेरे मन का कमल खिला है, जब से तेरा साथ मिला है मेरे मन का कमल खिला है,
हर पल हर क्षण जीवन में बस खुशियों का सिलसिला है। हर पल हर क्षण जीवन में बस खुशियों का सिलसिला है। तेरे आशीर्वाद की हो, तेरे आशीर्वाद की पूंजी मेरी जागीर बन गई। तेरे आशीर्वाद की पूंजी मेरी जागीर बन गई। सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। जीवन पतंग सा मेरा, जीवन पतंग सा मेरा, तेरे हाथ में डोर है इसकी, तेरे हाथ में डोर है इसकी। जीवन पतंग सा मेरा, तेरे हाथ में डोर है इसकी। तूने ही बुलंदी वो दी मुझे हर पल चाहत जिसकी। तूने ही बुलंदी वो दी मुझे हर पल चाहत जिसकी। तुझसे ये प्रेम की हो, तुझसे ये प्रेम की डोरी मेरी जंजीर बन गई। तुझसे ये प्रेम की डोरी मेरी जंजीर बन गई। सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। मेरा है दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। सौभाग्य सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है। सौभाग्य सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया है, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। पत्थर को मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया है, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम तेरा है। तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा सूरत में, सूरत में आते हैं नजर भगवान। दुनिया करती है करती है बस जिनका गुणगान। जिनकी सूरत में, सूरत में आते हैं नजर भगवान। दुनिया करती है करती है बस जिनका गुणगान। एक बार तू कर ले दर्शन, एक बार तू कर ले दर्शन, एक बार तू कर ले दर्शन, दीवाना हो लेगा। गुरुवर का जादू है सर चंदर बोलेगा। 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 चढ़ गया रंग जिस पर भी, चढ़ गया रंग जिस पर भी, चढ़ गया रंग जिस पर भी, मस्ती में डोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चंदर बोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चंदर बोलेगा।
ध्रुव राजा तो है सर झुककर बोलेगा ध्रुव राजा तो है। आज सिद्ध चक्कर महामंडल विधान की आराधना का सातवां दिन है और सात का नंबर सेवन नंबर लकी नंबर भी कहा जाता है। वैसे तो जीवन में सात है तो हम साथ साथ हैं और साथ नहीं है तो कोई भी किसी के साथ नहीं। इंसान के जीवन की शुरुआत सात से ही होती है और इंसान के जीवन का अंत भी सात में ही हो जाता है। किस तरह से शुरुआत होती है? जो जन्म होता है वह सात दिनों के भीतर होता है और इंसान का जो मरण होता है वह भी सात दिनों में ही हो जाता है। अर्थात सोमवार से लेकर रविवार तक इंसान जन्म लेता है और रविवार से लेकर सोमवार तक ही उसके प्राण चले जाते हैं। और इन सात दिनों में वह कैसे कार्य करता है वह उसके प्रभाव में भी साथ जाते हैं। वैसे तो कहते हो कि जो वैवाहिक के जीवन में प्रवेश कर रहा है तो कितने फेरे होते हैं, कितने होते हैं? अरे जिनके हो गए वो तो बोल दो। और एक गाना भी आता था कि सातों जन्म तक रहूंगा साथ। कौन सा था ना गाना? कोई पिक्चर का गाना था शायद, क्या था ना, सात जन्म तक रहेंगे साथ। एक बार मैंने एक पति पत्नी से पूछा कि आप में बड़ा प्रेम है, लगता है कि सात जन्म का रिश्ता है। तो पति बोलता महाराज जी ये सातवां जन्म है सात का। वो कहता है ये सात जन्म का सातवां ही साल है, सात का बड़ा महत्व है। ये तो ग्रस्त की भाषा हो गई, संसार की भाषा हो गई, लेकिन जैन धर्म में संन्यास में भी सात का बड़ा महत्व है। जीव अजीव आश्रय बंध संबर निजरा और मोक्ष। अर्थात ये जो सात हैं, सात तत्व हैं, इन सात तत्वों का यदि इंसान परिपालन करता है तो सातवां तत्व मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यदि सात तत्वों का चिंतन मनन मंथन नहीं करता है तो उसको सात में जाना पड़ सकता है। सात क्या है? नरक है। कि सात तत्वों का चिंतन मंथन मनन आप करोगे तो आपकी गति अच्छी हो जाएगी और यदि आप सात तत्वों का चिंतन मंथन मनन अच्छी तरह से नहीं करोगे तो आपकी दुर्गति भी हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? सात का पूरा संसार है और हम और आप साथ साथ हैं, इसलिए तो प्रभु की भक्ति कर पा रहे हैं। यदि आप गुरु के साथ नहीं होते तो भक्ति नहीं कर पाते, यदि आप परिवार के साथ में नहीं होते तो आप भक्ति नहीं कर पाते। साथ को संग भी कहा जाता है और संघ भी कहा जाता है। ये जो हमारा है ना, ये क्या है? संग है। और पति पत्नी का संग होता है। संग तो दोनों का है लेकिन आपकी में गा है और यहां पर घा है। क्या है? वहां पर गा है और यहां पर घा है। क्यों क्यों है पता आपको? संग है और संग है। यदि आप कहोगे हमारा संग है तो फिर आपको यहां आना पड़ेगा, और आप कहोगे हमारा संग है तो आप सही बैठे हो। इसलिए कहना हमारा संग है, संग नहीं है। और उसका भी बड़ा विचित्र कारण है कि आपके संग में गा है और यहां के संग में घा है। वह गा क्यों है? कि गा से आप गुस्से का त्याग करो, आप ग्रह का त्याग करो, और जब ग्रह का त्याग करोगे तो आप घा लगा के संघ में आ जाओगे। और घा लगता है जब आप देखिए वर्णमाला पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? का, खा, गा और खा। ये वर्णमाला नहीं है, ये जीवन की वर्णमाला है। वह कहते हैं
कासे क्या होता है, कासे कबूतर होता है वैसे पढ़ाने में तो, लेकिन यहां पर कहा गया पहले कासे कमाओ, क्या कासे कमाओ, ग्रस्त के लिए उपदेश दिया, कासे कमाओ, खासे खाओ, बच जाए तो गासे गहने बनाओ और उसके बाद में घासे घर बनाओ, पहले कमाओगे जब ही तो घर बना पाओगे और सारा काम कर पाओगे। तो यहां संग है, यहां घासे घर है, और एक घा किसका प्रतीक है कि मोक्ष मार्ग का जो घर है उसमें प्रवेश कर जाओ, इसलिए उस संघ को छोड़कर इस संघ में आओ, और इस बार सिद्धालय वाला जो घर है उसमें प्रवेश कर जाओ, इसलिए आपका घा अलग है और यहां का घा अलग है। इंद्रधनुष में सात रंग है, सृष्टि में सात दिन है, सात सात हैं, और आज यहां पर सिद्ध चक्र विधान का सातवां दिन भी है। पहले दिन आपने आठ अर्घ चढ़ाए, दूसरे दिन 16 चढ़ाए, तीसरे दिन 32, फिर 64, फिर 128, 256 और आज 512। आज आप यहां पर 512 अर्घ के माध्यम से, 512 अर्घ के माध्यम से आप कौन सा विधान करोगे? पंच परमेष्टि विधान करोगे। आप यहां पर 512 अर्घों के माध्यम से पंच परमेष्टि विधान करोगे। कौन कौन से परमेष्टि हैं? अरिहंता, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांच परमेष्टि कहे गए। आपसे कहा जाए कि वर्तमान में आप अपने नेत्रों से कितनी परमेष्टि से साक्षात्कार कर सकते हो? नेत्र से देख तो आप पांचों को सकते हो प्रतिमा के रूप में, लेकिन जो साक्षात्कार होता है, जिसे वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, तो तीन परमेष्टि से होता है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य कौन होते? जो शिष्यों को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। उपाध्याय कौन होते हैं? जो स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। और साधु कौन होते हैं? जो मुनिचर्या का पालन करते हैं। आज आपके जीवन का पुण्य है, आपके जीवन का भाग्य है कि आप संतों के दर्शन कर पाते हो, संतों को आहार दे पाते हो। नहीं तो दिल्ली में भी कई सारी कॉलोनी पश्चिम दिल्ली में मिल जाएंगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम।